हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाऊंगी। संधि संधि में हमारा टॉपिक क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग जैसा आप जानते हो, विसर्ग मतलब इस तरह की दो बिंदिया विसर्ग कहलाती है। तो जब प्रथम पद के अंत में दो पद होते, पहला पद दूसरा पद, जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग आ जाए, क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो हमारे विसर्ग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना? जब पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए और सेकंड पद में आके कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो आ जाए तो विसर्ग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग में परिवर्तन होना ही विसर्ग संधि कहलाता है। डेफिनेशन क्या मिलेगी? विसर्ग में परिवर्तन होना ही विसर्ग संधि कहलाता है। जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग आए और सेकंड पद में कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग दोनों के मिलने से विसर्ग में क्या होता है? परिवर्तन होता है और उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। हमारी जो विसर्ग संधि है वो चार प्रकार की है। सत्व संधि, ऋतु संधि, ऊतु संधि और लोप संधि। कौन कौन सी है? चार है। सत्व संधि, ऋतु संधि, ऊतु संधि और लोप संधि। ठीक है ना? तो विसर्ग की परिभाषा कि जब प्रथम पद के अंदर विसर्ग आ जाए और सेकंड पद में कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के चार भेद है, सत्व संधि, ऋतु संधि, ऊतु संधि और लोप संधि। अब नाम के अकॉर्डिंग देख लीजिए। सत्व संधि, जब विसर्ग का स बन जाए सत्व संधि, जब विसर्ग है ना स में परिवर्तित हो जाए तो सत्व संधि कहते हैं। विसर्ग स में परिवर्तित हो जाए सत्व संधि कहते हैं। विसर्ग जब र में परिवर्तित हो जाए, किस में हो जाए? र में, तो ऋतु संधि कहते हैं। विसर्ग जब र में परिवर्तित हो तो ऋतु संधि कहते हैं। विसर्ग जब स में परिवर्तित हो सत्व संधि कहते हैं। और विसर्ग जब रू में परिवर्तित हो, र में परिवर्तित हो तो ऋतु संधि कहते हैं। विसर्ग को जब ओ में परिवर्तित कर दे, ओ विसर्ग को जब ओ में परिवर्तित कर दे तो ऋतु संधि कहलाता है। और जब विसर्ग का लोप हो जाए, विसर्ग गायब हो जाए तो वो लोप संधि कहलाता है। ठीक है बेटा? चारों का नियम के अकॉर्डिंग माना में अगर विसर्ग स में परिवर्तित हो, विसर्ग किसमें हो? स में बदल जाए तो सत्व संधि। यदि विसर्ग र में बदले तो ऋतु संधि। यदि विसर्ग ओ में बदले तो ऋतु संधि। और यदि विसर्ग का लोप हो जाए, विसर्ग गायब हो जाए, विसर्ग दिखाई ना दे तो लोप संधि। ये तो हमारे नाम के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखिए आप लोग, पहले सत्व संधि। सत्व संधि जो है उसके चार नियम है। सत्व संधि नियम क्या है? चार। जो पहला नियम है उसमें बताया गया है कि जो पहला पद होता है ना संधि में, दो पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, जो प्रथम पद है उसके अंत में विसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? पहले पद में विसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? पहले पद में विसर्ग। और सेकंड पद में च वर्ग आ जाए। च वर्ग में च च जय जय है। प्रथम पद में क्या विसर्ग, प्रथम पद में क्या चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। और सेकंड पद में क्या चाहिए? चैवर। ये प्रथम पद मान लीजिए और ये द्वितीय पद मान लीजिए। प्रथम पद में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। सेकंड पद में क्या आ जाए? चवर्ग आ जाए। छह छह जय छह नहीं। तो जो हमारा विसर्ग होता है ना, विसर्ग ये सर बदल जाएगा। संयम वाला छह, जब प्रथम पद के अंत में क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। और सेकंड पद में चवर्ग आ जाए, छह छह जय छह नहीं। तो जो हमारा प्रथम पद का जो विसर्ग है वो सर बदल जाएगा। उसी प्रकार यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग आ जाए और सेकंड पद में तवर्ग आ जाए, तवर टे फिर कह या कह आ जाए, कह या कह जाए, तो हमारा विसर्ग जो है ना वो स्वयं बन जाए षटकों वाले क्षण में। षटकों वाले क्षण में एग्जाम्पल देखिए पहले का, कि पहले पद में विसर्ग आ जाए उसके अच्छे आ जाए। जैसे आप लोग पढ़ते हो नी प्लस चय, नी प्लस चय, तो देखो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? चय वर्ग आया। क्या आया? चय वर्ग आया। तो क्या बना? तो चय वर्ग आते विसर्ग क्या बन जाएगा हमारा? ये वाला स्वयं। तो हम लिखेंगे इसको निश्चय। क्या लिखेंगे इसको? निश्चय। क्या लिखेंगे इसको? निश्चय। अगर मैं से लिखती नी प्लस चल, विसर्ग आ गया, उसके बाद चय आ गया, तो क्या बनेगा?
निश्चल, क्या बने वर्ड निश्चल। सेकंड है कि विसर्ग आ गया उसका कै वर्ड आ गया, कै कै डेड है, या फिर कै या खे आ गया, या फिर कै या खे आ गया, तो विसर्ग है ये विसर्ग, ये बन जाएगा ये वाला शय, ये भी समझ जाएगा ये वाला शय। जैसे हमने पढ़ा नी प्लस थुर, नी प्लस थुर विसर्ग आ गया, ये ठे, ठे किस मात्र टै वर्ग मात्र टै खे डेड हेड, तो ठहरा है इसमें, यहाँ पर ठहरा है, तो ये विसर्ग किसे बन लेगा इनको से षटकोण वाले शय में, जब उसको मिलाएंगे आपस में तो ये बनेगा निष्ठुर, क्या बनेगा बेटा निष्ठुर। जैसे हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल और इसका मी प्लस कपट विसर्ग आ गया उसके बाद क्या आ गया, तो विसर्ग के बाद क्या आता है तो कौन सा बनता है षटकोण वाला शय, तो जब उसको मिलाएंगे आपस में तो बनेगा निष्कपट। यदि विसर्ग के बाद चय वर्ग आएगा तो जो विसर्ग है हमारा ये बन जाएगा संयम वाला शय, यदि विसर्ग के बाद टय वर्ग आता है या फिर टय या खय आता है तो विसर्ग बन जाता है हमारा शय। अब तीसरा नियम, यदि विसर्ग आ जाए पहले पद में, क्या जाए विसर्ग आ जाए उसके बाद टय वर्ग आ जाए, टय टय दे जाए टय टय दे जाए, तो जो विसर्ग है ना ये हमारा बन जाएगा शेट वाला शय, विसर्ग बन जाएगा ये वाला शय। इसका उदाहरण हम बोलते हैं नमस्ते, तो नम प्लस ते क्या बनेगा इसका नमस्ते, क्या बनेगा इसका नमस्ते, क्या बोल नमस्ते में ये वाला शेख लगाया क्योंकि विसर्ग के बाद तय वर्ग आ गया था, विसर्ग के बाद तय वर्ग आ गया था, तो एग्जाम्पल हो गया नमस्ते। इसे आप लिखते हो इत प्लस तत् है, तो इतस्तत बनता है इसका इतस्तत, अब आपने इतस्तत भी क्यों बनाया इसका, ये वाला शब्द लगाया ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के बाद तय वर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है तय वर्ग आ रहा है, तो जो विसर्ग के बाद तय वर्ग आता है तो विसर्ग का हमारा ये वाला शब्द बन जाता है। ये आपकी इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा बचा लास्ट में फोर्थ, यदि विसर्ग के बाद शय 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 इंद्र कोई सा विषय आ जाए, यदि विसर्ग के बाद क्या जाए शय 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 इंद्र कोई सा विषय कोई सा विषय आ जाए, तो जो विसर्ग है ना वो वाला शय बन जाएगा आधा जो आया है, विसर्ग क्या बनेगा वही वाला शय जो सेकंड पद में आया है। जैसे कि मी प्लस संदेह, ये वर्ड लिखा मैंने विसर्ग आ गया उसके बाद शय आ गया, तो जब परिवर्तित करेंगे विसर्ग को तो ये वाला शय बनेंगे जो सेकंड पद में आया है, सेकंड पद में जो आया ना वही वाला शय विसर्ग बनेगा, तो इसका शय आधा बन गया। आगे हमें संदेह, ठीक है ना, इसको इसका दूसरा उदाहरण इसे नी प्लस शंका, विसर्ग आ गया दोबारा शय आ गया, तो जो विसर्ग है ना ये वाला शय बन जाएगा, तो बनेगा निशंका, ठीक है ना। आगे समझे सब संधि के चारों नियम पुनः रिपीट कर रही हूं। पहला नियम है कि विसर्ग के बाद अगर चय वर्ग आ जाए चय चय जय जय ने, तो जो हमारा विसर्ग है ये वाला शय बन जाता है, जैसे कि नी प्लस चय और नी प्लस चल, तो नी प्लस चय का बनेगा निश्चय क्योंकि विसर्ग के बाद चय आ गया तो ये वाला शय बनता है, नी प्लस चल तो बनेगा निश्चय। सेकंड है हमारा यदि विसर्ग के बाद टय वर्ग आ जाए या फिर कै या खै आ जाए तो विसर्ग बन जाएगा षटकोण वाला शय, तो नी प्लस चुन तो विसर्ग नी खै आ गया कै ठै बनेगा निष्ठुर, फिर नी प्लस कपट तो निष्कपट क्योंकि नी विसर्ग के बाद क्या आ गया तो बन जाएगा षटकोण वाला शय निष्कपट, मतलब कि विसर्ग का आधा शय बनेगा। अब कौन सा शय बनेगा ये हम वर्ग के अनुसार लगाएंगे, बनेगा विसर्ग का आधा शय ऐसा तो संधि विसर्ग का बनता है आधा शय, लेकिन शय हमारे तीन होते हैं तो कौन सा बनेगा, तो हम इस वर्ग के अनुसार सेकंड पद में जो वर्ग है उसके अनुसार लगाएंगे। थर्ड है हमारा यदि विसर्ग के बाद तय वर्ग आ जाए तो विसर्ग बन जाएगा ये वाला शय, तो जैसे हमने बनाया नमस्ते नमस्ते नमे प्लस ते नमस्ते और इतने प्लस तथे इतने तथे, ये आपके इसके एग्जाम्पल है। फोर्थ है कि विसर्ग के बाद शय शय आ जाए तो जो विसर्ग है उन्हें वही से बन जाएगा जो सेकंड वाले पद में आया है, इसे नी प्लस शंका निशंका क्योंकि ये वाला शय ये बनाएंगे विसर्ग को,
मी प्लस संधे तो विसर्ग का निसंधे, तो ये वाला सेट होगा जो सेकंड संधे आ गया। तो आपके लिए विशेषत संधि के चारों नियम सामने लिखे हुए हैं। सतु संधि का नाम के अकॉर्डिंग ही विसर्ग का से बन जाता है। सतु संधि का नाम है सतु, यानी विसर्ग का से बन जाता है। तो जहां भी विसर्ग का से बनेगा वो सतु संधि कहलाएगा। चार नियम, विसर्ग का चय बने, विसर्ग के बाद चय आए तो ये वाला से, विसर्ग के बाद तय बन रहा है कह कह आए तो ये वाला से, विसर्ग के बाद तय बन रहा है तो उसके वाला से, विसर्ग के बाद अगर से आता है तो वही से जो सेकंड पद में आया वही आधा विसर्ग बन जाएगा, आधा से बन जाएगा। तो आपका ये सब संधि कंप्लीट हुई है। आप उसको पेयर बुक में करना है और इसे लर्न भी करना है। अगले वीडियो में हम लोग आपको ऋतु संधि और ऋतु संधि कराएंगे। थैंक यू।